Draw a level diagram of a moving coil galvanometer and explain its working. What is the function of radial magnetic field inside the coil? ये क्वेश्चन हम थ्योरी में कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं. मैं इसमें वही वीडियो अटैच कर रहा हूँ, आप लोग वो करिए. सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग विद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन ऑफ द फैक्ट विच वी लर्न इन द लास्ट लेक्चर्स दैट व्हेन अ कॉइल इज इन कैप्ट मैग्नेटिक फील्ड इट एग्जीक्यूट्स रोटेटरी मोशन. उसको लिख लेते हैं. प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है. When a current carrying coil is placed in magnetic field, it experiences torque and hence executes रोटेटरी मोशन. ठीक है, तो पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ उसका, तो क्योंकि फिर बना देता हूँ डायग्राम. सो मेरे पास मान लीजिए रिजिड सपोर्ट है. हर एक पार्ट को हम बाद में लेटर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. पहले मैं एक नॉर्मल डायग्राम बना के दिखा दूँ आपको. रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट जिस पर से एक वायर आता है, वो वायर क्या है बताएंगे बाद में. और हमारी कॉइल जो होती है जिसमें काफ़ी टर्न्स है, इसलिए मोटा बनाया है मैंने कॉइल को, लटकी होती है उससे. ठीक है ना, और इसी रिजिड सपोर्ट से हम क्या करते हैं, नीडल को अटैच कर देते हैं. दिस इज अ नीडल वी हैव which is going to rotate with the coil, है ना. ये markings हैं और needle attach कर देते हैं, और coil जैसे rotate करती है तो needle भी साथ में coil को rotate करती है. एक spring की मदद से हम एक terminal पे जहाँ से बिजली से connect होगा वो terminal भेज देते हैं. ठीक है, हम directly इस terminal को तार से नहीं जोड़ सकते थे क्योंकि ये जो तार है ना twist होगा. हमने स्प्रिंग की मदद से स्प्रिंग लगा के कनेक्ट करके तार में जोड़ दिया, तो इस टर्मिनल को प्रॉब्लम नहीं होगी आगे खींचने में. वो स्प्रिंग उतना रोटेट कर जाएगी जब ये कॉइल रोटेट कर रही होगी. डायरेक्टली हम टर्मिनल को सीधा ऐसे नहीं जोड़ सकते थे क्योंकि ये वायर रोटेट कर रहा है ना. इसलिए तो स्प्रिंग का सहारा लेके हमने इस टर्मिनल को जोड़ा जहाँ से हम बिजली का कनेक्शन बनाएंगे. सिमिलरली दूसरा कनेक्शन भी होना चाहिए, इसलिए हम ऐसे कनेक्ट करके एक और हेयर स्प्रिंग बोलते हैं इसको, दूसरा टर्मिनल हमने निकाल दिया. ठीक है, इस तरीके से आप बना लेना दो तीन टर्न्स. मैं एक टर्म ही खत्म कर दिया, कोई बात नहीं. और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन होते हैं. और ये पूरा सेटअप जो है ये मैं ब्लैक पेंसिल वाली कोशिश करता हूँ. ये सॉफ्ट आयरन के बीचों बीच रखा जाता है. इसका उद्देश्य बता दिया जाएगा लेटर आपको, लेकिन सॉफ्ट आयरन पीसेस के बीच में इनको रखा जाता है. और ऐसे रखा जाता है कि ये जो कॉइल है ये फ्री टू रोटेट है. इन सॉफ्ट आयरन मटेरियल से टच नहीं करेगी, अपना पूरा रोटेशन कर लेगी. मैं टॉप व्यू से दिखाऊंगा आपको. और इस पूरे सेटअप को मान लो कॉइल का नाम रख देते हैं PQRS फ्रंट व्यू में. वैसे तो इसके थोड़ी मोटी हो गई ना, लेकिन आप मान के चलिए इतनी मोटी भी नहीं हुई कि हमें PQRS का P-Q-R-S- पीछे वाले कॉर्नर्स के लिए लिखना पड़े. इतनी मोटी नहीं हुई है कॉइल. और इस कॉइल को हमने नॉर्थ साउथ मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है. तो ये हमारा डायग्राम बन जाता है MCG का. ध्यान रखें कि एक ब्रॉड आइडिया है डायग्राम का, क्योंकि नॉर्थ साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो नॉर्थ साउथ के मैग्नेट्स के शेप यूज करते हैं वो रेडियल होते हैं. उसका भी रीजन है, रेडियल होते हैं. तो ये हमारा मोटा मोटा डायग्राम बन के आ गया है. अब हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है खास इसमें. लेट स्टार्ट. पहला कॉइल आपके अगर एक पेज पे डायग्राम है तो बहुत अच्छा होगा. ठीक है, तो डायग्राम देख सकते हैं और मैं जो लिख रहा हूँ वो समझ सकते हैं.
पी क्यू आर एस कंप्राइजिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाउंडेड ओवर अ नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम। आप एल्यूमिनियम ले सकते हैं, उसके ऊपर हमने कॉपर से टर्न्स लिए हुए हैं। तो जो हमने कॉइल बनाई थी ना, ये जो कॉइल है उसमें खूब सारे टर्न्स लिए हुए हैं, वो टर्न्स जो हैं वो कॉपर के हैं। ऐसे खूब सारे टर्न्स लेके इसको मोटा कर दिया था ना, ऐसे लटकी हुई थी कॉइल। और जो हमने फ्रेम लिया, इस पे तार लपेटा है, वो एल्यूमिनियम का फ्रेम है। नाउ, और मेरा नॉन मैग्नेटिक का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना? सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऑल्सो ध्यान रखें, आप एक कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। अब दूसरी चीज क्या आती है, द कॉइल इज सस्पेंडेड बाय अ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, छोटे में लिख सकते हैं फॉस्फर BR, इस वायर से सस्पेंडेड है, ठीक है? इसका भी रीजन बताएंगे आपको, क्या रीजन है। काफी इंपॉर्टेंट टर्म होता है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है MCG का, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। तीसरा, द लोअर एंड एंड अपर एंड ऑफ कॉइल्स आर कनेक्टेड टू स्प्रिंग्स फ्रॉम विच टर्मिनल्स आर गिवेन आउट, टर्मिनल्स आर गिवेन आउट। चौथा पॉइंट, अ नीडल इज अटैच्ड टू फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर विच मूव्स एज द कॉइल मूव्स, कॉइल मूव्स। तो आप देख सकते हैं कॉइल एक पर्टिकुलर मूव करेगी तो नीडल भी उतना मूव करेगी, और उस मूवमेंट को हम करंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वही हम देखेंगे, कि कितना एंगल मूव करी तो इतना करंट होगा। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। फिफ्थ पॉइंट लिख लेते हैं, द कॉइल इज केप्ट बिटवीन सॉफ्ट आयरन सेमी सिलेंड्रिकल पीसेस, सेमी सिलेंड्रिकल पीसेस सच दैट द कॉइल व्हेन रोटेट्स, कॉइल व्हेन रोटेट्स डज नॉट टच देम, डज नॉट टच देम। और एक लास्ट पॉइंट बच जाता है, वो यहां सिक्स करके लिख देता हूं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड फील्ड इज यूज्ड, ठीक है? अब मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूं। इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का टॉप व्यू देखते हो, ऊपर से कैसे दिखेगा? ये है हमारी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ और साउथ। दिस इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आई हैव एंड दिस इज माय कॉइल। टॉप व्यू दिख रहा है ना? अब कॉइल रोटेट करेगी तो कैसे करेगी? ऐसे इस रीजन में रोटेट करेगी ना, तो इस रीजन के जहां तक रोटेट कर सकती है, उसके बाद ही ऐसा अरेंजमेंट रखा गया है कि सॉफ्ट आयरन कोर उसके बाद रखे जाते हैं, सेमी सिलेंड्रिकल पीसेस, ताकि इनको टच ना करें। इस दायरे में इसको रोटेट करना होता है कॉइल को। ये आपका टॉप व्यू आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड, अब सॉफ्ट आयरन का कारण भी सुनना,
ये एक्चुअली आपको मैग्नेटिक मटेरियल जो अगला चैप्टर होता है, मतलब अगला सेगमेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, पता चलता है उसमें। देखिए सॉफ्ट आयरन जो होता है वो एक बेहतरीन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल। और अगर किसी रीजन में आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया तो उस रीजन की सारी फील्ड लाइंस उस मटेरियल से होके गुजरेंगी, वो कहीं और से जा नहीं सकती, ये सबको खींच लेता है अपनी तरफ। तो हमने क्या किया, मैं दोबारा एक टॉपिक बनाऊंगा बिना सॉफ्ट आयरन के, ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि सॉफ्ट आयरन को रखने का फायदा क्या होगा। अब हम ये पूरा रीजन जो है सॉफ्ट आयरन के इफेक्ट के रूप में बनाएंगे, ठीक है। ये तो मेरी कॉइल है, तो एक ऐसा रीजन बन गया है सॉफ्ट आयरन के होने की वजह से कि जितनी भी फील्ड लाइन है वो इस रीजन से होके ही गुजरेंगी, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम एनी वेयर एल्स। सारी फील्ड लाइन जो है यूज हो जाए, वेस्ट ना हो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी यूज अ सॉफ्ट आयरन कोर। तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, सॉफ्ट आयरन मटेरियल फोर्सेस ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टू पास थ्रू द कॉइल, थ्रू द कॉइल। ये एक रीजन है सॉफ्ट आयरन का, टॉप व्यू से समझा दिया मैंने आप। अब काम कैसे करता है, दोबारा बनाते हैं, हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ये हमने कॉइल बनाई थी पहले जब आपको पढ़ा रहे थे मूविंग मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड थी, ऐसा नो, ये करंट था, ये नॉर्मल था पी। सिमिलरली ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये नॉर्मल था क्यू, और हमेशा इनके बीच में एंगल देखा जाता है, ले लीजिए, ठीक है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हमने देखा था कि टॉर्क जो आया था वो आया था बिना साइन थीटा, ये टॉर्क था ना मेरा, और थीटा ये एंगल था, ये सुन लो। तो हम एक चीज करने जा रहे हैं, हम अब इस एंगल को अल्फा बोलेंगे, द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल, नॉर्मल नहीं लिया हमने, प्लेन ऑफ कॉइल विथ मैग्नेटिक फील्ड, और हम टॉर्क को अल्फा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम देख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा कितना है 90, तो थीटा कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, इसे रिप्लेस कर देते हैं, टॉर्क कितना आ गया बिना साइन थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा, टॉर्क हो जाएगा बिना कॉस अल्फा, ये टॉर्क आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, देन ये तार से लटकी हुई है ना, तार से लटकी हुई है, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन द कॉइल, बिगिन्स टू रोटेट, बिगिन्स टू रोटेट विथ टॉर्क टॉ इक्वल्स टू बीना कॉस अल्फा, इस से रोटेट करने लगती है, और जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता है अलोंग विथ इट इस वायर में ट्विस्टिंग ट्विस्ट होने लगता है, गांठ बनने लगती है, सब जीन्स चादर जब धोने का निचोड़ते हो तो गांठ बन जाती है, अलोंग विथ इट द फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, ब्रॉन्ज वायर बिगिन्स टू ट्विस्ट। अब आपका करंट की वजह से टॉर्क आ रहा है, करंट होने की वजह से टॉर्क आ रहा है वो अलग है, और धीरे धीरे फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर में भी ट्विस्टिंग शुरू हो जाती है,
लेकिन आप भी जानते हो, एक चादर, रुमाल, जीन्स, कोई भी कपड़ा एक लेवल तक ही रोटेट किया जा सकता है। उसके उसमें गांठें इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि आप उसको फर्दर और रोटेट नहीं कर सकते और ट्विस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि धीरे 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 उसमें जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, रेजिस्टिंग टॉर्क, जो आपके हाथों को रोकता है, जैसे कि स्प्रिंग के केस में क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स, वैसे ही एक इस जब रोटेट कर रहे हो चीजों को तो एक रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप होता है जो आपके घुमाने वाले एक्शन को रोकता है। तो हमने देखा कि जो रेस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग बोलते हैं, रेजिस्टिंग बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। रिस्टोरिंग मतलब वापस आने के लिए उसकी चाहत है। जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके एंगल ऑफ रोटेशन से। तो मैंने अल्फा जो लिया है वो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे एंटर कर रहा है किसमें, वायर में। जैसे जैसे आपने और एंगल ऑफ रोटेशन किया वैसे वैसे रिस्टोरिंग टॉर्क और बढ़ता चला गया। अल्टीमेटली एक बात और लिख लीजिए कि प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आगे जाकर के बन जाती है, और ये के क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है अभी के लिए। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट इसको बोला जा रहा है जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर आपने फॉस्फोब्रॉन्ज वायर लिया है तो उसकी कोई वजह है, उसका के कुछ ऐसा होगा जो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा है, मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो के एक्चुअली आपको लेटर लॉर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि के जो फॉस्फोब्रॉन्ज है वो क्यों यूज करते हैं, तो तब बताएंगे आपको कि के क्या खूबी है फॉस्फोब्रॉन्ज के केस में, कि फॉस्फोब्रॉन्ज यूज करना पड़ गया, इसके की पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसकी वजह से, या कुछ प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से। तो ये आगे कहानी। अब क्या होता है कि हमारा कॉइल तो करंट की वजह से रोटेट कर रहा है ना, लेकिन साथ साथ गांठें बन रही हैं। तो होगा क्या, एक लेवल होगी रोटेट करने की, जब ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है या ये वायर है ये धीरे धीरे अपने अंदर इतनी ताकत अर्जित कर लेगा कि ये कॉइल को रोटेट फर्दर होने से रोकेगा। और फाइनली कब रोक लेगा, जब लिख लेते हैं अगले लाइन में, एज द कॉइल कंटिन्यूस टू रोटेट द रिस्टोरिंग टॉर्क इंक्रीजेस। टॉर्क इन फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, फॉस्फर ब्रॉन्स वायर इंक्रीजेस व्हेन द रिस्टोरिंग टॉर्क टॉ इक्वल्स टू के अल्फा बैलेंसेस विद द एक्सटर्नल टॉर्क ड्यू टू करंट। एक्सटर्नल टॉर्क कौन, एक्सटर्नल टॉर्क बिना साइन, बिना कॉस अल्फा, ठीक है, बैलेंस विद द एक्सटर्नल टॉर्क, दिस द कॉइल स्टॉप्स, द कॉइल स्टॉप्स। तो बराबर कर दो, टॉर्क बराबर कर दें, रिस्टोरिंग वाला और एक्सटर्नल ड्यू टू करंट वाला कर दी बराबर, के अल्फा इज इक्वल्स टू बीना कॉस अल्फा। सो हम तो करंट निकालना चाहते हैं ना, तो करंट क्या आ गया, के अल्फा बाय एन बी ए कॉस अल्फा, ये हमारे पास करंट फाइनली निकल के आ गया। अब समझ में आया आपको एक पर्टिकुलर एंगल पर कितना करंट होता है, कैसे निकाला जाता है। दैट इज हाउ वी कम विद द फंक्शन ऑफ एल्फा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक करंट का स्केल बनाना चाहते हो, लीनियर स्केल, प्रॉपर स्केल जो आसानी से रीडिंग दे सके, तो नहीं बना पाओगे अगर नीचे कॉस एल्फा डला रह गया। समझ लीजिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ मैं, ये कॉस एल्फा अगर आपने नहीं हटाया तो आप कभी भी स्केल नहीं बना पाओगे। क्योंकि अगर 5 डिग्री रोटेट कर रहा है तो कॉस 5 डिग्री कुछ अजीब सी वैल्यू होगी, अगर 10 डिग्री तो कॉस 10 डिग्री अजीब सी वैल्यू होगी। कि अल्फा तो लीनियरली बढ़ सकता है पर कॉस अल्फा थोड़ा ना लीनियरली बढ़ता है, कॉस अल्फा तो ऐसे होता है यार। तो ये दोनों मिलके कोई एक पर्टिकुलर स्केल दे पाएंगे आपको, कैलिब्रेशन कर पाओगे नहीं। तो हम चाहते हैं कि कॉस अल्फा हट जाए, हटने का मतलब जीरो नहीं होता, वन होता है, हम चाहते हैं कॉस अल्फा वन हो जाए। तो उसके लिए क्या है, ध्यान रखें हमने अल्फा जो एंगल लिया है वो किस क्या लिया है, नोटिस करें, प्लेन ऑफ कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड से, प्लेन ऑफ कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड से एंगल अल्फा लिया है। यही वजह है कि थीटा को हमें थोड़ा भूलना पड़ा इस डायग्राम में, ताकि आपको क्लियरली बता सके।
तो ये रीजन है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेने का। अब देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से फायदा क्या होता है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल के किसी भी ओरिएंटेशन में, चाहे ऐसी ओरिएंटेशन हो चाहे घूमकर किसी ऐसी ओरिएंटेशन में, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा ये है कि हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के डायरेक्शन में होगी, और अल्फा जो होगा जो कॉस में एंटर करेगा वो हमेशा जीरो के फॉर्म में एंटर करेगा, क्योंकि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन के साथ एंगल जीरो रहेगा और ये हमेशा वन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू कैलिब्रेट अलीनियर स्केल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड सो दैट इन एवरी ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल द एंगल बिटवीन द कॉइल सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एंड वी गेट कॉस एल्फा इक्वल्स टू वन। तो अब आपका जो करंट का सही फॉर्मूला निकल के आता है वो के अल्फा बाय एन बी ए होता है, और ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो अब फाइनली आप, क्योंकि एक बार आपने के एन बी और ए यानी कि फोर्स ऑफ टर्न्स वायर नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ द कॉइल आपने बना लिया, फोन चेंज कर पाओगे, इसीलिए इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। तो ऐसे हम फाइनली इस एंड रिजल्ट पहुंचते हैं दैट करंट इज अ फंक्शन ऑफ एल्फा एंड जस्ट बाय द मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल वी कैन कंफर्म टू द कंक्लूजन ऑफ व्हाट इज द करंट इनसाइड द कॉइल एंड हेंस द एंटायर सर्किट। सो अब इसको आगे हम बढ़ाएंगे अगले वीडियो में अबाउट द करंट सेंसिटिविटी एंड हाउ टू मेजर द करंट एक्चुअली में।